सो लेट्स गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo के X50 डिवाइस के अंदर ऐप क्लोन सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। ऐप क्लोन सेटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है और इसके दो तीन ऑप्शंस हैं इनेबल करने के, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। हालांकि मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ Vivo का V23 Pro यूज कर रहा हूँ, तो आपको सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट आपको सेटिंग्स को ओपन करना है, आपको कुछ इस तरह से OS मिलेगा क्योंकि OS एंड्रॉइड 12 रन कर रहा है, तो आपको भी सेम ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है मैं भी थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन आप यूज कर सकते हैं इसके लिए सर्च बटन का। अगर आपको सेटिंग्स डिफरेंट मिलती है तो आप सर्च बटन का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। यहां पर आपको सर्च करना है ऐप क्लोन, तो जैसे मैं यहां पर ऐप क्लोन सर्च करूंगा तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले ऐप क्लोन सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है और यहां पर एक ऐप इंफॉर्मेशन का भी ऑप्शन आ रहा है। ऐप इंफॉर्मेशन में हम क्लिक करके ऐप क्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और यहां पर आपको ऐप क्लोन का सेटिंग्स जो है यहां पर मिल रहा है, जिसे आप सेटिंग्स में जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, इसके बाद वहां से ऐप क्लोन को यूज कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, इन सभी को हम इजीली क्लोन कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। तो मैं आप चाहें तो यहाँ से क्लोन कर सकते हैं या फिर अगर मैनुअल यूज करना चाहें तो इसका इसके लिए हम सेटिंग्स को क्लिक, ऑलरेडी सेटिंग्स के अंदर हम है। इसके बाद हमें ऐप्स वाले ऑप्शन में जाना है, जिसमें ऐप्स ऑप्शन में जाएंगे तो नीचे अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट ऐप्स के ऊपर जस्ट ऐप क्लोन का ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से सेम सेटिंग्स पे विजिट हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ से करना है ऐप क्लोन तो जस्ट हम यहाँ से फेसबुक को हम जस्ट यहां से क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट आइकन एडेड टू डेस्कटॉप, या ऑलरेडी डुप्लीकेट आइकन हमारे डेस्कटॉप पे ऐड हो चुका है। अगर मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को दिखाना चाहूं तो यहां पर इंस्टाग्राम हमारे पास डुप्लीकेट यहां पर क्रिएट है, फेसबुक को हमने डुप्लीकेट किया था, यहां पर देख सकते हो फेसबुक भी डुप्लीकेट यहां पर क्रिएट हो चुका है। और यहां पर एक तरीका और है इसे क्लोन करने का, वो क्या है? सबसे पहले मैं यहां से इसको हटाता हूं, मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, ऐप क्लोन मैंने बंद करना है, यहाँ से इंस्टाग्राम को नहीं, मैं फेसबुक को बंद कर देता हूँ। हमारे पास मैसेंजर और फेसबुक, स्नैपचैट, तीन ऑप्शन अभी भी बचे हैं मुझे क्लोन करने के लिए। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्लोन करने का ये मिलता है कि हम किसी उस एप्लीकेशन पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन पर हम लॉन्ग प्रेस करके उसको ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लोन ऐप को, क्लोन ऐप के लिए हम फेसबुक का ही यूज़ करते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो अभी क्या होता है जो ओल्ड फोन्स होते हैं उसके अंदर एक कट का साइन बना हुआ आता है, तो कट साइन के अंदर अगर हम उसको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है, एक्चुअली जब उसको हम कट कर देते हैं तो अनइंस्टॉल हो जाती है एप्लीकेशन, लेकिन एक प्लस का भी साइन देखने को मिलता है ओल्ड फोनों में। जैसे आप प्लस करेंगे तो ऐप क्लोन ऑटोमेटिकली वहां पर क्रिएट हो जाता है, लेकिन जो न्यू स्मार्टफोन्स है उसके अंदर आपको इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं जिसमें अनइंस्टॉल ऐप, एडिट होम स्क्रीन, ऐप इन्फॉर्मेशन एंड ऐप क्लोन का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो जैसे भी ऐप क्लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लोनेड ऐप आइकन एडेड टू होम स्क्रीन, ये ऐड हो चुका है फेसबुक दोबारा से हमारे पास क्लोन। लेकिन हम इसी चीज को हम किसी और पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर यूज करना चाहें यूज, तो इसको हम गाना वाले एप्लीकेशन पे करते हैं। तो अभी आप इसमें देखेंगे तो ऐप इन्फॉर्मेशन, एडिट होम स्क्रीन है, अनइंस्टॉल ऐप है, रिसेंटली प्ले है, फेवरेट्स का है, डाउनलोड का ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर स्पीड सिंक का ऑप्शन हमें, सॉरी क्लोन ऐप का ऑप्शन यहां पर देखने को नहीं मिलता। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी एप्लीकेशन क्लोन हो पाए, इसमें जितने एप्लीकेशन आपके सपोर्टेबल होंगे आप सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं। हमारा फोन जो है 5 ऐसी एप्लीकेशन है जिसे क्लोन कर सकता है, तो इन 5ों को मैं इजिली क्लोन एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैसेंजर को भी हम कर सकते हैं क्लोन, मैसेंजर के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप क्लोन का ऑप्शन हमें 4th नंबर वाला मिलता है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेंजर का भी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा इजीली। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कैसे ऐप क्लोन यूज किया जाता है Vivo के X50 डिवाइस के अंदर। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।